दौला मिट्टी क्षेत्र में शिवसेना की भव्य दुपहिया वाहन प्रचार रैली ने अंतिम दिवस भी बनाया चुनावी माहौल। जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों के साथ समर्थकों ने विभिन्न मार्गों से मतदारों से संपर्क कर जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। शिवसेना द्वारा प्राप्त प्रेस पत्र अनुसार दौला मिट्टी जिला परिषद मतदार संघ में शिवसेना के जिला परिषद के उम्मीदवार दिवाकर पाटने व उनके पंचायत समिति गण के उम्मीदवार लता ताई गोरे व चंद्र प्रकाश सुनारकर के समर्थन में अंतिम दिन रविवार को प्रचारार्थ भव्य बाइक रैली निकाली गई। दौला मिट्टी हेटी स्थित कार्यालय से सुबह बड़ी संख्या में उपस्थित शिवसेना युवा सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रैली को प्रारंभ किया। हाथों में भगवा ध्वज, धनुष बाण के चित्र, बैनर लेकर दिवाकर पाटने आगे बढ़ो, वारे धनुष बाण, आज्ञा धनुष बाण की घोषणाएं देते हुए यह रैली संपूर्ण दौला मिट्टी परिसर, आठवां मेल, मुआड़ लेआउट, सोनवा नगर, लावा, रुकधामना, येदला, फेटरी, बोरगांव, बोराड़ा, चिंचोली, माहौरझरी इत्यादि गाँव में भ्रमण कर मतदारों से विजय करने का अनुरोध किया। दिवाकर पाटने ने बाइक रैली दरमियान मतदारों से संवाद भी कर विकास के लिए आशीर्वाद देने का आशीर्वाद मांगा। उनके दिए जानकारी अनुसार प्रचार दरमियान मतदारों ने उत्कृष्ट प्रतिसाद दिया। इस रैली में उनके साथ पंचायत समिति के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश सुनारकर, लता गोरे, शिवसेना तालुका प्रमुख संजय अनासनी, वाड़ी शहर प्रमुख मधुमान के पाटिल, पुरुषोत्तम गोरे व बड़ी संख्या में शिव सैनिक, स्थानिक नागरिक भी उपस्थित थे। भारतीय कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी के जो सूत्र संचालन करते हैं, हम और आप में से ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी पद पर जाते हैं, अपना पदभार संभालते हैं और अपना कर्तव्य निष्ठा से वो अपना पदभार संभाल कर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और कोई भी एक राजनीतिक पार्टी इसी तरीके से सामने बढ़ती है। तो चलो हम आज बात करते हैं युवा सेना जिलाध्यक्ष हर्षल जी काकड़े से। जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दरम्यान लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों की क्या संवेदना है, उनको क्या पता चल रहा है और आगे पार्टी का क्या ध्येय धोरण होना चाहिए। हर्षल जी काकड़े। जय महाराष्ट्र। आज शिवसेने का डौला मिट्टी में प्रचार शुरू है। एक डौला मिट्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं माननीय श्री दिवाकर जी पाटने जिला परिषद उम्मीदवार, वो उनके सहकारी दोनों पंचायत समिति उम्मीदवार लताताई पुरुषोत्तम गोरे और हेटी के उम्मीदवार चंद्रशेखर चुनारकर, ये दोनों उम्मीदवार जिला परिषद श्री दिवाकर जी पाटने इनके साथ प्रचार में लगे हुए हैं। आज नियमानुसार प्रचार का आखिरी टप्पा है। आज 5 बजे आचार संहिता लग जाएंगी, उसके बाद सभी पार्टी के ये डोर टू डोर प्रचार और बैनर पोस्टर और जितना भी सोशल मीडिया ये प्रचार बंद होने वाला है। शिवसेना ने डौला मिट्टी सर्कल में पहली बार जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लड़ाई हुई है। इसमें पक्ष के तरफ से शिवसेना के जो उम्मीदवार है दिवाकर जी पाटने, ये गए 30 से 35 साल से शिवसेना के बाळासाहेब के एक कड़वट शिवसैनिक है। इन्होंने 30 साल से जो शिवसेना में जो सेवा दी है, इसका ज्ञात शिवसेना के पक्ष प्रमुख, इस राज्य के मुख्यमंत्री नामदार माननीय उद्धवजी ठाकरे इनको तक है। दिवाकर जी पाटने ये एक शिवसेना की बुलंद तोप है और उनके माध्यम से जो दो उम्मीदवार पंचायत समिति के लड़ रहे वो यहाँ के स्थानिक है। एक अच्छा प्रवाह नागरिक का शिवसेना की तरफ दिख रहा है और प्रतिसाद भी शिवसेना को अच्छा मिल रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। इस क्षेत्र में ये पहली सरकार है जिसने सरकार बनते ही कम से 20 दिन के अंदर में ग्रामीण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब हमारे महाराष्ट्र का बड़ी राजा शेतकरी वर्ग, इसको कर्ज माफ़ी करके जो शेतकरियों का जो दिल जीता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिसाद अगर ग्रामीण वासियों का अगर मिल रहा है तो जिला परिषद के चुनाव में शिवसेना को मिल रहा है। दिवाकर जी पाटने ये एक महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में है, नागपुर जिले के बड़े पदाधिकारी हैं। इनका उद्धव जी के साथ, आदित्य जी के साथ और शिवसेना के जितने भी वरिष्ठ मंडल है, संजय जी राउत या गजाभाऊ कीर्तिकर विदर्भ प्रमुख, इन सबसे इनका डायरेक्ट बातचीत है। तो मुझे विश्वास है कि दिवाकर जी पाटने को
दौला मिट्टी की जो जनता है ये भारी मतों से चुन कर देंगी, क्योंकि एक परिवर्तन का समय आया हुआ है। आज कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस बीजेपी ये दोनों पार्टी में बहुत फूट गिरी हुई है। कांग्रेस के भी बंडखोर खड़े हुए हैं, तो बीजेपी में भी जो उम्मीदवार है वो एक बाहर से लाए हुए उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे भी जो आजी माजी सदस्य है वो नाराज़ है, और जो उम्मीदवार बीजेपी के वो भी पुराने कांग्रेसी है। इसलिए आज जनता को कोई दल बदलू नेताओं की ज़रूरत नहीं है, जनता को एक सच्चे शिवसैनिक की या सच्चे ईमानदार नेता की ज़रूरत है। तो डवला मिट्टी जनता को मैं ये विश्वास देता हूँ कि दिवाकर जी पाटने को अगर उन्हें बहुमत से चुन कर दिए तो मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से डवला मिट्टी शहर का सबसे ज़्यादा विकास ये दिवाकर जी पाटने ही कर सकते, क्योंकि ये एक सुशिक्षित और एक प्रभावशाली नेता है जिनका सिर्फ गली में नहीं तो दिल्ली तक बोलबाला है। और जो हमारे तड़पदार पद उम्मीदवार है पंचायत समिति के, चंद्रशेखर चुनारकर और लताताई गोरे, ये भी एक अच्छे घर से माध्यम से समाज कार्य करते हैं, और इनके कारण हमें भी शिवसैनिक को बहुत अच्छी संधि इस बार मिलने वाली है। और मैं सभी दौला मिट्टी वासियों को एक जिला प्रमुख नाते और पक्ष के पदाधिकारी के नाते में विनंती करता हूँ कि अच्छे नेतृत्व को चुन कर दो और अपने नगर विकास का एक परिवर्तन लाओ, अपने नगर का परिवर्तन कराओ। इतनी मैं बोल के दो शब्द संपत हूँ। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे। आम्ही सगळे 5-7 दिवसापासून दिवाकर भाऊ आणि चंदू चुनारकर, लता गोरे यांच्यासाठी प्रचार करीत आहोत। चांगलं वातावरण निर्मिती झालेली आहे आणि लोकांमध्ये बदलाव होईल अशी 100% आम्हाला शाश्वती आहे। आमच्यासोबत तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष संजय भाऊ वनासाने, युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय हर्षलजी काकडे, संतोष भाऊ केचे संघटक हिंगणा विधानसभा, शहर प्रमुख नागपूरचे आमच्या वाडी शहराचे दिलीप आपले मधुभाऊ मानके, विजयजी मिश्रा, स्थानिक निकोसेजी, चोरपगारजी, आम्ही सगळे मिळून पूर्ण ताकदीनेशी ही निवडणूक लढत आहे आणि परिवर्तन होणार हे नक्की आहे। कारण की जे लोक निवडणूक लढत आहे ते याच्या अगोदर इथं लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेलं आहे आणि लोक त्यांच्यापासून त्यांचा रिझल्ट पाहिलेला आहे। सगळे खोटे बोलून आजपर्यंत त्यांना राजकारण केलेलं आहे आणि यामुळे लोकांना परिवर्तन पाहिजे आणि दिवाकर भाऊ पाटणे हे खूप चांगलं सक्षम नेतृत्व आहे आणि त्यानिमित्तानं मी सगळ्या दौलामिटी वासियांना या माध्यमातून एक आवाहन करतो की आपण परिवर्तन घडवाव आणि शिवसेनेला एकदा इथे आपली सेवा करण्याची संधी द्यावं। आम्ही त्या तुमच्या दिलेल्या आशीर्वादाचं सोनं करून दाखवू एवढी शाश्वती देतो आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय महाराष्ट्र। शिवसेना उमेदवार दिवाकरजी पाटणे यांच्या समर्थनार्थ इथली जे सामान्य जनता आहे यांचं काय मत आहे हे आपण जाणून घेऊया। तर इथले जे सामान्य नागरिक आहेत एक त्यांच्याशी एक प्रतिक्रिया। मी माणिक निकोसे, दौलामेटे सर्कलमध्ये वार्ड नंबर 6, या ठिकाणी माझं मतदान आहे आणि आता या ठिकाणी जो माहोल दिसत आहे या ठिकाणी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि अपक्ष अशा अनेक प्रकारचे उमेदवार या ठिकाणी दौला मिटी क्षेत्रामध्ये जिल्हा परिषदच्या ठिकाणी जे उमेदवार आहे दिवाकरजी पाटणे, हे दिवाकरजी पाटणे दौला मिटी क्षेत्रामध्ये पहिल्या नंबरवर चालून राहिले आणि त्यांचं वातावरण आणि माहोल लहर तयार झालेली आहे। शिवसेना हा पक्ष हा दौला मिटी क्षेत्रामध्ये प्रचंड जोमाने लागलेला आहे आणि आम्ही जी जनता आहे यांनी आता निर्णय केलेला आहे अशा पद्धतीने की शिवसेनेला निवडून द्यायला पाहिजे आणि विचार केला सर्व दौलामिटी क्षेत्रातील लोकांनी, जिल्हा परिषद क्षेत्रातील लोकांनी की शिवसेना हा पर्याय आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पक्ष या ठिकाणी नाही। आणि म्हणून लोकांना मी पण आग्रह करतो, विनंती करतो की शिवसेना या पक्षालाच येणाऱ्या 7 तारखेला धनुष्यबाण या चिन्हावर वोट द्यावे आणि त्यांनी जे हा पक्ष जिल्हा परिषदमध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढत आहे आणि यांना सुद्धा संधी द्यावी, हे संधीचं सोनं करेल आणि दौलामिटी क्षेत्राचा विकास करेल। दौलामिटी क्षेत्रामध्ये ज्या समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे, सिवरची समस्या आहे, लाईनची समस्या आहे, बेरोजगारी आहे, महिलांना उद्योग नाही आहे, त्यानंतर या सर्व समस्या दूर करण्याकरता, रस्त्याची समस्या, या सर्व समस्या दूर करण्याकरिता दिवाकर भाऊ पाटणे यांनी सर्वांना आश्वासन दिलं की आम्ही दौलामिटी क्षेत्राचा विकास करू। त्यासोबत चंदूभाऊ चुनारकर हे पंचायत समितीचे सदस्य आहे, त्यांच्या सुद्धा सोबत या हेटी परिसरातील माळा, गणेश नगर, सिद्धार्थ सोसायटी, पालकर नगर आणि माळा कॉलनी जुनी,
हिलटॉप कॉलनी आंबेडकर नगर अशा संपूर्ण परिसरामधून हेटी गणेश नगर या संपूर्ण परिसरातून शिवसेनेला प्रचंड असा सपोर्ट मिळत आहे आणि हा सपोर्ट तुम्हाला येणाऱ्या 7 तारखेला मशीनद्वारे दिसेल आणि 8 तारखेला विजय पक्का पक्का म्हणजे पक्का शिवसेनेचाच आहे. शिवसेनेच्या 2 सीटा निवडून येईल असे जनतेला मी आवाहन करतो आणि या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना सांगतो की येणाऱ्या 7 तारखेला शिवसेनेच्या बटनवर ठप्पा मारून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय करा. धन्यवाद. हमारे साथ है शिवसेना के उम्मीदवार दौलामेटे सर्कल के दिवाकर जी पाटने. आज ये प्रचार का आखिरी दिन है तो अब तक के प्रचार में इनकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है ये हम दिवाकर जी पाटने से जानते हैं और उनका लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा ये हम आज उनसे पता करेंगे. दिवाकर जी पाटने. मैं दिवाकर पाटने हिंगना विधानसभा क्षेत्र का सह संपर्क प्रमुख हूँ. नागपुर जिले में 7 साल के बाद में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव लगा हुआ है. उद्धव साहब के आदेश से पूरे नागपुर जिले के अंदर माननीय श्री खासदार कृपाल जी तुमा ने इनके आदेश से और हमारे संपर्क प्रमुख सुधीर भाऊ सूर्यवंशी, दोनों जिला प्रमुख राजेंद्र जी हरणे, संदीप इटकेलवार, तीनों महिला जिले की संगठिका वंदना लोनकर, अनुष्का बोधनकर, रसनाताई कनेर, इनके मार्गदर्शन में हर जगह शिवसेना के उम्मीदवार लड़ रहे. मैं डौलामेटी सर्कल से लड़ रहा हूँ. मेरे साथ में लता पुरुषोत्तम गोरे लावा सर्कल से और डौलामेटी सर्कल से चंद्रप्रकाश चुनारकर लड़ रहे हैं. मार्गदर्शन में साथ साथ में जैसे हमारे आमदार हैं रामटेक के आशीष जी जायसवाल, युवा के जिला प्रमुख है जिला अध्यक्ष है हमारे हर्षल जी काकड़े, संतोष जी केचे, तालुका प्रमुख हमारे श्री संजय जी आनासाने, वाड़ी शहर प्रमुख उद्भव मानके पाटिल, रूपेश जी झाड़े, ये सारे मेरे खंदे से खंदे मिलाकर प्रचार में सुबह शाम दौड़ रहे. कार्यकर्ताओं का बढ़िया जमघट है. कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है. इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी हमने जान लिया है. अभी 2 दिन पहले संजय जी राठौड़ यहाँ आकर गए कैबिनेट मंत्री बने नए नए. उन्होंने भी कहा कि किसी भी प्रकार की अड़चन किसी भी प्रकार की निधि की हम लोग कमतरता होने नहीं देंगे. 2 दिन यहाँ पर दौरा हमारी शिवसेना की नेता माननीय आमदार मनीषा कायंदे भी आ चुकी थी. 4-4, 5-5 मीटिंग यहाँ पर ली हुई सभाएं ली हुई है. उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जितने भी इस डेवलपमेंट के लिए निधि लगेंगे या माढ़ा कॉलोनी हो पुरुषोत्तम नगर हो हेटी हो डौलामेटी आठवां महल हो उनके जो भी जो समस्या होगी मैं अपने निधि में से पूरा का पूरा सहयोग करूंगी. मुझे पूरे जनता को पूरे नागपुर जिले की जनता को मैं आह्वान करता हूं, नम्र विनंती करता हूं कि जहां जहां मेरे शिवसैनिक खड़े हैं जिला परिषद पंचायत समिति के लिए उनको भरघोस मतों से चुन के दीजिए. उद्धव साहब की सरकार है, भगवे की सरकार है. यदि भगवा जिला परिषद में फड़केगा तो हम लोग समझेंगे कि 1995 में जो हमारी रत्नमाला पाटिल अध्यक्षा बनी थी उसके बाद में जिला परिषद में एक भगवा फड़का गया. इसलिए सभी से विनंती करता हूँ, सभी जनता से आह्वान करता हूँ, विनंती करता हूँ. इस वक्त पिछले 10-15 साल 20 सालों से कई पार्टियों को आपने देखा हुआ है, कई पार्टियों को अध्यक्ष दिए हुए जिला परिषद के. इस वक्त मात्र शिवसेना कोई चुन के दीजिए ऐसी विनंती करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. INBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट.